इसी तरह से एक रिवायत इस बारे में बयान की जाती है, मन वसअ अला अयालिही फी यौमि आशूरा वसअ अल्लाहु अलैहि फी सनतिही कुल्लिहा, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पर दस्तरखान वसी करेगा या खर्च में वसअत उन पर करेगा, खूब उन पर ख़र्चा करेगा, तो अल्लाह ताला सारे साल भर उसका खर्चा यानि उसके माल में बरकत देगा, उसके माल में वसअत देगा, अल्लाह भी उसके ऊपर वसअत करेगा। ये तबरानी ने औसत में और बहक़ी ने शोबुल ईमान में रिवायत ज़िक्र की, ये भी ज़ईफ़ है। क्यों? इसमें एक रावी है हैसम, इसके बारे में इब्ने हजर कहते हैं अपनी किताब अमाली में, इत्तफ़क़ु अला ज़ईफ़िल हैसम व अला तफ़र्रुदिही बिही, सारे मुहद्दिसीन का इत्तफ़ाक़ है कि हैसम नाम का रावी जो सनद में है वो ज़ईफ़ है, सारे मुहद्दिसीन उसके ज़ईफ़ होने पर मुत्तफ़िक़ हैं। तो ये किसी भी एतबार से किसी भी तरीक़ से रिवायत सही नहीं है, तो इससे भी मालूम हुआ कि रिवायत सही नहीं है। तो लिहाजा इस महीने में मुहर्रम में जैसे नॉर्मली आदमी रहता है वैसा रहे, अजीब व गरीब हरकतें ना करें, और इसमें बस इतना है कि एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, रोज़े रखेगा।